आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। 26 जुलाई 2023 को सुबह सवेरे लगभग 4:15 बजे के करीब चंदन के झाड़ काटे गए पुलिस अधीक्षक निवास से 150 मीटर के करीब दूरी मानी जा सकती है। अकबर वार्ड के और शास्त्री वार्ड की सीमा में पॉलिटेक्निक कॉलेज के करीब पुराना एमपीबी ऑफिस उसके करीब यहां आपको दिख रहे होंगे 3 युवक पेड़ काटते हुए और एक खंबा जिस पर लाइट लगी हुई है उसके नीचे मोटरसाइकिल खड़ी करके। देखिए कितना प्रकाश है और इनके हौसले देखिए कितनी बुलंदी पर हैं। 26 जुलाई को ये घटना घटी। पहले एपिसोड में हमने आपको घटनाक्रम बताया था, अब आगे हम बता रहे हैं। ये आगे भी कुछ सीसीटीवी फुटेज समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के हाथ लगे हैं, जिनके जरिए हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि रात में किस तरह से यहाँ पर चोरी की गई चंदन के झाड़ की, कितने बेखौफ हैं सिवनी में चोर। पुलिस रात को गश्त करती है, रात पुलिस की रात्रि गश्त पर सवालिया निशान लग रहे हैं। देखिए काट कर चंदन का झाड़ ले जाया जा रहा है, अगर ऐसे आप ले जाते हैं और रात के जब पिंड्रप साइलेंस जिसे कहते हैं बिल्कुल एकदम सुनसान में अगर यहां से लेकर जा रहे हैं तो पत्तियों का शोर निश्चित तौर पर हुआ होगा, स्ट्रीट डॉग्स भौंके होंगे, पर अगर स्ट्रीट डॉग्स नहीं भौंके तो ये भी एक बड़ी बात मानी जा सकती है। 3 युवक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये अभी तक हमने आपको दिखाया था, अब हम आपको इसके उपरांत का दिखा रहे हैं। 3 युवक यहाँ खड़े हैं और खड़े होकर यहाँ पर इनके द्वारा चंदन के पाले पोसे बड़े झाड़ को काटा जा रहा है। 26 जुलाई 2023 की ये घटना, सुबह 4:30 बजे का समय, हाथों में इनके हथियार और घनी आबादी मानी जा सकती है। दोनों तरफ घर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। नगरपालिका परिषद में काम करने वाले प्रगीत खरे उनके निवास के ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के हाथ लगा है। पुलिस किस तरह की कार्रवाई कर रही है, पुलिसिंग किस तरीके की सिवनी में होती रही है, इसकी एक बानगी ये मानी जा सकती है। सिवनी में न जाने कितने अनसुलझे प्रकरण आज भी पड़े हुए हैं। इसी के करीब चार्टर्ड अकाउंटेंट अखिलेश शुक्ला के निवास पर लगभग 5-6 साल पहले हुई चोरी का भी अभी तक कोई पता नहीं लग पाया है। पता नहीं पुलिस चोरी की वारदातों में ज़्यादा दिलचस्पी क्यों नहीं लेना चाहती है। पुलिसिंग किस तरह की हो रही है इसकी बानगी आपके सामने है, इसका एक बड़ा उदाहरण आपके सामने है। 3 युवक टहल रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं रात को, ये देखिए दूसरा पेड़ उनके द्वारा एक पेड़ काट कर किनारे डाल दिया गया है और दूसरा पेड़ भी उनके द्वारा काटा जा रहा है। पता नहीं किस तरह से इनके द्वारा इन सारी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। और ये देखिए दूसरा पेड़ भी गिर गया, और ऐसा अगर कोई पेड़ गिरता है तो जाहिर है आवाज़ भी होती होगी, पर आवाज़ वहाँ पर क्यों नहीं हुई ये भी शोध का विषय है। और ये आरी चला रहे हैं या किस चीज़ से काट रहे हैं ये कहना थोड़ा सा मुश्किल ही प्रतीत होता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। देखा किस तरह इनके द्वारा यहाँ पर इसको काटा गया, तीसरा युवक भी अब वहाँ पर पहुँच गया और तीनों युवकों के द्वारा उस पेड़ को काटा जा रहा है, चंदन के पेड़ को काटा जा रहा है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में ये भी कहा जा रहा है कि वन विभाग प्रथम सूचना दर्ज करने से आनाकानी करता है और उसके बाद पुलिस में अगर जाते हैं तो पुलिस का कहना होता है कि वन विभाग में इसकी सूचना दर्ज कराई जाए, वन विभाग के पास जाएंगे तो वो कहते हैं पुलिस में सूचना दर्ज कराई जाए। देखा जाए तो जिला प्रशासन को इस तरीके के अपराधों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए जाने चाहिए जिला स्तर पर। इस तरीके की अगर घटनाएं यहां पर घटित हो रही तो इन्हें किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं माना जा सकता है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। यहां आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा सड़क के बीचों बीच पेड़ पड़ा हुआ है, वृक्ष पड़ा हुआ है और इस वृक्ष को उन्होंने बीच में छोड़कर इस बीच अगर रात में यहाँ से पुलिस की गश्त होती या पुलिस के जवान यहाँ से निकलते, रात्रि गश्त किसकी थी 26 जुलाई को, इस क्षेत्र में बीट प्रभारी कौन था उसकी जानकारी नगर निरीक्षक जिला पुलिस अधीक्षक को ली जानी चाहिए थी। पर 26 जुलाई की इस घटना के बारे में
हम आपको बताएं 8 अगस्त तक कोई भी सुगबुगाहट दिखाई नहीं दे रही। यही कारण है, लोगों का कहना है कि यही कारण है कि इस तरीके की घटनाओं के बाद लोग पुलिस के को इसकी सूचना देने में कतराते हैं। पुलिस को दरअसल जनता का मित्र बनना होगा। पुलिस का सूचना संकलन किस तरह का है, ये भी एक सवालिया निशान इस पर भी खड़े हो रहे हैं। कितना प्रकाश है, आपको साफ तौर पर प्रकाश भी दिखाई दे रहा होगा, स्ट्रीट लाइट का प्रकाश, और प्रकाश के उसमें रात के समय काटा जा रहा है चंदन का झाड़। काटा नहीं जा रहा, काटे गए, 2 चंदन के झाड़ यहाँ पर काटे गए आपको दिखाई दे रहे हैं। हम इसके बाद आगे भी आपको यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया। और ये देखिए श्वान भी चला रहा, पर श्वान भी उन्हें नहीं भौंक रहा है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये सारी खबरें पसंद आ रही हैं तो आप इन्हें लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाजत लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।